बात बुलवाइए ताकि समाज का कोई वर्ग उसको रिएक्ट करे, आपस में उलझ जाए और अपनी शिक्षा, अपने बच्चों की पढ़ाई, अपने बच्चों का भोजन, अपना विकास भूलकर उन्हीं चीज पर फिर से वोट दे। तो ऐसा नहीं है कि उनके मुंह से स्लिप ऑफ टंग हो गया है। नमस्कार, लाइव सिटीज देख रहे हैं आप और मैं हूँ आपके साथ निशा बर्णवाल। बिहार के शिक्षा मंत्री एक बार फिर से विवादों में घिरे हुए हैं क्योंकि उन्होंने छात्रों को लेकर बयान जो दिया था उस पर सियासत काफी ज्यादा गरमाई हुई है। एक तरफ जहां उनके बयान के बाद छात्रों में बवाल देखने को मिल रहा है तो वहीं अब इसको लेकर लगातार विपक्ष के लोग उन पर हमलावर है। एक बार फिर से प्रशांत किशोर ने शिक्षा मंत्री के जरिए से RJD पर हमला बोला है और क्या कुछ कह रहे हैं, पहले आप सुने। आप शिक्षा मंत्री हैं, उनको ये बताना चाहिए कि शिक्षा व्यवस्था को कैसे सुधार रहे हैं। उनको ये बताना चाहिए कि जो सत्र 3 साल के बजाय 6 साल बच्चों के लग रहे हैं उसको कैसे सुधारा जाए ताकि लोगों का समय नहीं बर्बाद हो। उनको ये बताना चाहिए कि क्योंकि वो खुद पढ़े लिखे आदमी है, उनको उस पर ध्यान देना चाहिए। लेकिन वो जो कह रहे हैं ये उनका एजेंडा नहीं है, ये तो जिस दल में वो हैं ये लोग इसी तरह की राजनीति करते हैं। धार्मिक उन्माद फैलाओ, जातीय झगड़ा लगाओ, किसी से कुछ कड़वी बात बुलवाइए ताकि समाज का कोई वर्ग उसको रिएक्ट करे, आपस में उलझ जाए और अपनी शिक्षा, अपने बच्चों की पढ़ाई, अपने बच्चों का भोजन, अपना विकास भूलकर उन्हीं चीज पर फिर से वोट दे। तो ऐसा नहीं है कि उनके मुंह से स्लिप ऑफ टंग हो गया है। उन्होंने सोची समझी रणनीति के तहत इसको कहा होगा, पार्टी ने कहा कि आप कहिए, क्योंकि वो खुद विद्वान, उस पार्टी में कोई दूसरा है ही नहीं कि वो 4 चौपाई भी पढ़ सके, वो खुद विद्वान आदमी है तो उन्होंने पढ़ा पढ़कर। अरे भाई, उस पार्टी के जो लीडर है वो 4 चौपाई ही पढ़ के सुना दे तो भी हम लोग मान लें। तो उस पूरे पार्टी में वही 2-4 लोग हैं जो कि चौपाई भी पढ़ सकते हैं, तो उन्हीं के मुंह से कहलवाया गया है। लेकिन इन चीजों का कोई महत्व नहीं है और मेरा आपसे हाथ जोड़कर आग्रह होगा कि बिहार के होने के नाते इन बातों को उछालिए नहीं, इससे किसी का भला नहीं है, इससे किसी का भला नहीं है। ये राज्य 30-40 साल से इन्हीं तरह के जाति और धार्मिक उन्मादों की आग में जल रहा है, उसमें और घी मत डालिए। जैसा कि आपने सुना प्रशांत किशोर को, इन्होंने साफ साफ कहा कि शिक्षा मंत्री का जो ये बयान है वो स्लिप ऑफ टंग नहीं है बल्कि ये उनसे उनकी पार्टी RJD की तरफ से कहलवाया गया है। उन्होंने साफ साफ कहा कि RJD जैसी पार्टी लोगों के बीच इसी तरह बयानबाजी देकर उन्हें भटकाने का काम करती है, उनमें आपसी धार्मिक उन्माद पैदा करने का काम करती है और साथ ही साथ ये जो बयान दिया गया है वो कोई स्लिप ऑफ टंग नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने शिक्षा मंत्री को हिदायत भी दी कि उन्हें बिहार की शिक्षा व्यवस्था पर ध्यान देना चाहिए। बिहार में जो ग्रेजुएशन का सत्र 3 साल का होता है उसे 5 साल में पूरा किया जाता है, इस पर ध्यान देना चाहिए, ना कि इस तरह की बयानबाजी करनी चाहिए। उन्होंने बिहार के लोगों पर से भी आग्रह किया है कि इस तरह से धार्मिक उन्माद ना फैलाएं, जातीय उन्माद ना फैलाएं और साथ ही साथ बिहार की तरक्की में ध्यान दें। प्रशांत किशोर इन दिनों लगातार जनसुराज पदयात्रा पर है, वो पटना में पहुंचे थे जहां पर उन्होंने शिक्षा मंत्री के साथ साथ RJD को लेकर ये सारी तमाम बड़ी बड़ी बातें कही है। देखना होगा आखिर ये मुद्दा और कितना गर्माता है। इस खबर में इतना ही, बाकी की तमाम खबरों के लिए बने रहे लाइव सिटीज के साथ। अगर आप इस वीडियो को हमारे फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कर ले, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।